आज की रेसिपी हेल्दी होने के साथ साथ एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी भी है। ये ओट्स मसाला रैप जितने खाने में टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, उतने ही बनाने में आसान और देखने में प्रेजेंटेबल भी होते हैं। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें और हम ओट्स मसाला रैप बनाना शुरू करते हैं। ओट्स मसाला रैप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 कप ओट्स, जिन्हें मैं ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करूंगी। ओट्स को ड्राई रोस्ट करने के लिए गैस पर एक पैन चढ़ाएं और इसमें ओट्स डालकर रोस्ट कर लें। गैस मैंने मीडियम हाई पर सेट की है, कड़छी लगातार चलाते रहें। जब ओट्स की बढ़िया खुशबू आने लगे और ओट्स का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तब ओट्स भुनकर तैयार हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इन्हें ग्राइंड करने के लिए एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओट्स खाने के बहुत से फायदे होते हैं, तो इन्हें हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इन्हें ग्राइंड करने में ज्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 10-12 सेकंड्स में ही ये बढ़िया ग्राइंड हो जाते हैं। ये देखिए, इनका बहुत बढ़िया पाउडर बन गया है, बिल्कुल वैसा जैसा मुझे ओट्स मसाला रैप बनाने के लिए चाहिए था। इसमें डालें 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर और 1/4 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला दें। अब मुझे इसका बैटर तैयार करना है, जिसके लिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें ताकि इसके लम्प्स ना बन पाए। ये देखिए इसका कितना बढ़िया कंसिस्टेंसी का बैटर बनकर तैयार हुआ है। बैटर को थोड़ी देर के लिए ढककर अलग रख दें। अब रैप की स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू, जिन्हें मैं कद्दूकस करके इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो इन्हें मैश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तड़का तैयार करने के लिए एक पैन में डालें तकरीबन 2 चम्मच ऑयल। इसमें डालें 1/4 चम्मच जीरा, बारीक काटा हुआ 1 चम्मच लहसुन, बारीक काटा हुआ 1 चम्मच अदरक, बारीक काटी हुई 1 हरी मिर्ची, बारीक काटा हुआ 1 प्याज और बारीक काटा हुआ 2-3 चम्मच धनिया डालकर थोड़ा भून लें। तकरीबन 1-2 मिनट भुनने के बाद जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए, तब इसमें डालें कद्दूकस की हुई 1 गाजर और इसे भी थोड़ा भून लें। तकरीबन 1 मिनट तक गाजर को भुनने के बाद इसमें डालें कद्दूकस किए हुए 3 उबले हुए आलू। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालकर मसालों को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर दें। तकरीबन 1-2 मिनट मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ओट्स मसाला रैप की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब रैप बनाने के लिए एक तवे पर थोड़ा ऑयल ब्रश करें। गैस फिलहाल मैंने सिम पर सेट रखी है। तवे पर तकरीबन 2 कड़छी तैयार ओट्स का बैटर डालें और हल्के हाथों से थोड़ा फैला दें। बैटर डालते समय एक बात का ध्यान रखें कि हमें बैटर ज्यादा गर्म तवे पर नहीं डालना है। ज्यादा गर्म तवे पर डालने से बैटर अच्छे से फैलेगा नहीं। इस पर ऑयल की कुछ बूंदें डालकर ब्रश कर दें। अब गैस मीडियम पर सेट कर दें। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट एक तरफ से पकाने के बाद अब मैं इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लूंगी। अब इस तरफ मैं थोड़ा सा टोमेटो केचप डालकर अच्छे से फैला दूंगी। आप केचप की जगह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चटनी लगा सकते हैं। अब इस पर तैयार आलू की स्टफिंग इस तरह बीच में रख दें और इसे इस तरह दोनों तरफ से रैप कर दें। तो लीजिए, मजेदार और टेस्टी ओट्स मसाला रैप बनकर तैयार है। इसी तरह सारे बैटर के रैप्स बनाकर तैयार कर लें। एक बार ये बढ़िया ब्रेकफास्ट रेसिपी जरूर ट्राई करें। इन्हें बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये बच्चों को भी बेहद पसंद आते हैं और खाने में भी ये एक हेल्दी रेसिपी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और ऐसी ही और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए अभी मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें।